आप देख रहे हैं नेशन वन, मैं हूं करण विष्ट। चले रुक करते हैं खबरों का। यूपी के गोंडा में झाड़ फूंक करने वाले 60 वर्षीय बाबा के ऊपर अज्ञात व्यक्ति ने तेजाब डालकर उसे बुरी तरह से झुलसा दिया। परिजनों ने बाबा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला गोंडा के कोतवाली क्षेत्र के दत्त नगर का है, जहां 60 वर्षीय बाबा नानू दास है जो झाड़ फूंक का काम करते हैं। देर शाम घर लौटते समय अज्ञात व्यक्ति ने इनके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, जिससे ये बुरी तरह से झुलस गए। परिजनों ने इन्हें किसी तरह जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में पीड़ित को बर्न वार्ड में एडमिट किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और जांच में जुट गई है। पीड़ित 50 वर्षीय नानू दास तांत्रिक क्रिया का काम करते हैं। सीओसीटी भरत यादव ने बताया कि पीड़ित झाड़ फूंक का काम करता है, दत्तनगर विशेन का रहने वाला है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा तेजाब डाल दिया गया है, मुकदमा लिखकर शीघ्र हमलावरों की गिरफ्तारी की जाएगी। क्यों वहाँ कोई तेजाब फेंक दिया, वहाँ गेट पे से जा रहे थे और घर जा रहे थे दत्तनगर, और खैरा मंदिर के पास कोई तेजाब फेंक दिया आगे से, वो गिर गए और फिर हॉस्पिटल लेके आए रिक्शा से। ये झाड़ फूक काम करते हैं बाबा जी। तो आपको क्या, हमें नहीं पता, ना बाबा को पता किसने फेंका। हाँ, पुलिस आई थी तो वो कुछ बोली ही नहीं, और 100 नंबर मिला तो उसमें नहीं गया, और 108 वो भी नहीं गया। बाबा की हालत बहुत नाजुक है। बाबा हैं जिनकी उम्र 50 साल है, ये दत्त नगर विशेन के रहने वाले हैं। ये सेमरा कॉलोनी से अपने घर जा रहे थे, खैरा मंदिर के आगे पहुंचने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनके ऊपर तेजाब फेंक दिया गया है। ये जिला अस्पताल में एडमिट हैं, इलाज चल रहा है और इस संबंध में मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये झाड़ फूंक का काम बताते हैं कि करते थे। गोंडा से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।